दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको इस इम्पोर्टेंट वीडियो में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ग क्या कहती है। मैंने ऑलरेडी ही 376 क और ग पर वीडियो बना चुका हूं और अब 376 ग क्या कहते हैं, इसमें कितने साल की पनिशमेंट है, किस प्रकार के व्यक्तियों को सजा मिलती है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो में अंत तक देखिए। जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे, जब तक ना आप समझ पाओगे, नहीं मैं आपको समझा पाऊंगा। इसलिए चलो मैं आशा करता हूँ और अपने टॉपिक पे बात करता हूँ। मान लो कोई भी बालिका या बालक किसी भी मुकदमे में या किसी भी क्राइम में फंस जाते हैं, तो उसे फंसने के बाद पुलिस या कोर्ट द्वारा पीसी रिमांड या पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके उसे जेल में या अपने हिरासत में ले लिया जाता है, तो इस हिरासत में पुलिस हो, डॉक्टर हो, हॉस्पिटल कर्मचारी हो, बाल गृह का कोई भी अधीक्षक हो या जेल अधीक्षक हो, मतलब उसकी देखरेख में या उसके द्वारा या डॉक्टर द्वारा या कर्मचारी द्वारा उस बालिका के साथ उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाना, उसे उत्प्रेरित करना, उस पर दबाव डालना, अगर इस प्रकार के कर्मचारी हिरासत में होते हुए इस प्रकार के क्राइम करते हैं, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ग में मुकदमा दर्ज होता है या 376 ग का दोषी पाया जाता है। क्योंकि अगर कोर्ट द्वारा किसी भी क्राइम में किसी भी व्यक्ति को पीसी दे देते हैं, रिमांड पे दे देते हैं, अगर रिमांड के दौरान इस प्रकार की घटना कारित हो जाती है या हॉस्पिटल में चेकअप के लिए मेडिकल के लिए उसे भेज दिया जाता है या डॉक्टर द्वारा वहाँ के कर्मचारी द्वारा इस प्रकार की घटना कारित कर दिया जाता है, शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं या बना लेते हैं, तो उस व्यक्ति के खिलाफ ये धारा उपयोग में ली जाती है। उस व्यक्ति के खिलाफ इस धारा में मुकदमा दर्ज होता है क्योंकि सरकारी कर्मचारी के देखरेख में ये काम होता है या उनके द्वारा ये काम किया जाता है, तो उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ग में मुकदमा दर्ज होता है और उस में उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसे 5 साल की सजा या 10 साल की सजा तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना दंड से दंडित किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी या आप समझ गए होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।